गुजरांवाला में जो मेरिडियन होटल है, हम लोगों ने आज वहाँ वन नाइट स्टे किया। घर की लॉबी है बहुत ही क्लीन नीट। एंटरिंग टू माई रूम। Room detail tour. Yes, it's me. Hi. Apologies for the mess in the room due to our luggage. ये हमारी बेड की सेटिंग्स ट्विन लिए हमने नया बना है ये गुजरांवाला में मेरिडियन होटल और जी बहुत प्यारा बहुत ही क्यूट सा और बहुत क्लीन हमें व्यू भी अच्छा ही मिला है। एक्चुअली देखिए मस्जिद हमारे सामने है, दो मस्जिदें हमारे सामने हैं बल्कि तीन है यार। हाँ और क्या, वो मेन रोड है अगर आपको नज़र आ रही हो ना, वो मेन रोड है। तो अच्छा सा टीवी भी रखा हुआ है और अगर गेस्ट आ जाए तो उनके लिए भी उन्होंने बहुत खूबसूरत सा एक कह सकते कॉर्नर जो है वो बनाया हुआ है। बहुत प्यारी पेंटिंग्स इन लोगों ने लगाई हुई हैं, रिफ्रेशिंग पेंटिंग्स हैं। और अभी हमने अपना सामान पूरा नहीं खोला, लेट्स सी कि इसमें फ्रिज है नहीं, क्योंकि बिल्कुल नया है इन्होंने ओपन किया। मैं आप लोग को इसका वॉशरूम भी दिखाती हूँ, बहुत ही क्यूट सा है। और ये इनकी वार्डरोब्स हैं। भाई अल्लाह नेल मैंने तोड़ दिया। ओके वो सब कुछ नया है ना, तो अब खींच खींच के करना पड़ेगा। तारा उन्होंने रिफ्रेशमेंट में हमें कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज जूस दिया है और साथ ही उन्होंने हमें कुछ स्नैक्स दिए हैं। और इसके बाहर अभी इनका बन रहा है जो आई थिंक कोई रेस्टोरेंट भी, इन लोग की ओपनिंग 1st of October थी जो कि आज ही करेंगे। तो लकीली हम इधर आ गए हैं और हम इनके साथ खूब सारा ओपनिंग सेरेमनी को भी इंजॉय करेंगे। इस होटल को मैंने बाहर से भी दिखाना है और इसकी एंट्रेंस भी दिखानी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मगर उससे पहले एक छोटा सा नैप और नैप के बाद रेडी होके हम लोगों ने अपने फ्रेंड की ओपनिंग सेरेमनी पे जाना है। इंशाल्लाह होटल दिखाएंगे, हो सकता है वो मॉर्निंग में मैं दिखाऊँ, अभी तो मैंने सिर्फ आप लोग को रूम दिखाया है। तब तक के लिए आप भी सो जाएं, मैं भी थोड़ा नैप लेती हूँ। तौबा इतना लंबा नैप। मेरिडियन होटल का रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है। देखिए हमने यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ब्रोकली सैलेड एंड चंकी पोटैटो सैलेड खाया और ये उनकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए उन्होंने सेट बनाया हुआ है। अच्छा सबसे मज़े की बात, इनके पास सारे ऑर्गेनिक ब्रेड्स बकेट्स और सवाडो ब्रेड जो है पाकिस्तान में ओवरऑल तो कहीं नहीं अवेलेबल सिवाय मेरिडियन होटल गुजरांवाला। जाइए और खाइए ज़रूर। असर की नमाज मैंने पढ़ी, जा नमाज इनके पास रूम में अवेलेबल है। ऑफ कोर्स हर जगह होती है बट इनकी ये छोटी छोटी प्यारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए इस व्लॉग में। अच्छा एक और एडिशन कर दूं कि बहुत ही खामोशी और बिल्कुल शोर शराबा नहीं, बहुत प्यारी नींद आ सकती है किसी भी टाइम, जो कि एक होटल की खूबसूरती है। वॉशरूम इनका क्लोजी सा है, बात एरिया सबसे पहले ये मुझे बड़ा अच्छा लगे, इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है और फिर उन्होंने अलग से टब भी रखा हुआ है, वो प्यारा है। कोजी सा है, मेरिडियन होटल नया है, सारा बहुत साफ सुथरा है अभी फिलहाल, तो जिसने स्टे करनी है तो अभी आ जाए। ये इनकी मेन एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस पे बेडरूम्स की एंट्रेंस है। इनका नया जो ओपन हुआ है रेस्टोरेंट, बाहर का व्यू भी इनका अच्छा है। ये अभी इनका रेस्टोरेंट का बाहर की आउटिंग भी, इन्होंने सिटिंग एरिया भी बनाया है। थैंक यू। हेलो
जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाश्ता हमारा आ गया, बहुत मज़े का नाश्ता लग रहा है। लस्सी विद ऑमलेट एंड चना विद योगर्ट एंड पराठे का ओए होए 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 ये पराठे। मीठी लस्सी तो मैडम भाई। नाश्ता इनका बहुत मजे का है। एक्चुअली इनके हाथ में बड़ा जायका है, क्योंकि रात को जब हम लोगों ने सैलड वगैरह भी खाए तो इनके सैलड नॉर्मल सैलड इनका कमाल। ये इनका स्टेयर्स एरिया है। अच्छा यहाँ पे स्नूकर भी है, चेस भी है, क्या है फुटबॉल। How Meridian looks from outside. ये बाहर से यू दिख रहा है, मेन रोड है पूरी। एंड मैं दिखाती हूँ एक बार, वन नाइट का स्टे हमारे लिए मेमोरेबल हो गया, क्योंकि हम आए थे इनकी ओपनिंग हुई रेस्टोरेंट की, और साथ ही साथ हम लोग की यहाँ पे एक फ्रेंड की एक बहुत खूबसूरत लाइक टी टाइप एरिया जहाँ पे आप आके फ्रेंड्स के साथ गप्पे शप्पे लगा सकते हैं और चाय इंजॉय कर सकते हैं। आपको यानी हमने दो दो ओपनिंग अटेंड की, एक ही मौके में दो चौके लगाए थे हमने। बाय बाय रेडियन।